तो ये मीटर स्क्रीन दिख रहा है सर? सर स्क्रीन दिख रहा है? सर ये हमारी आवाज मिल रही है सर? हाँ मिल रही है, मिल रही है आवाज ही, मिल रही है। है स्क्रीन भी दिख ना, रहा है। हाँ स्क्रीन से आ क्लियर रही है, है। ओके सर, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है। हाँ जी। तो अभी सर अपन आगे शुरू करते हैं। ये जो इंसुलेशन मीटर है ये एक्चुअली अणुविद्युतिकी का है, और ये अलग से कई जगह दिया गया है। अगर ये मीटर हमको अलग से नहीं है, इंसुलेशन टेस्टर मीटर, तो हम ईएलडी में जो सबसे पहला जो मेन मॉड्यूल का मीटर है उसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल सेम ही होता है, सिर्फ सेल सिलेक्टर को उसमें सेलेक्ट करना होता है। इसमें ऐसा कोई सेल सिलेक्टर नहीं होता है, हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा तीन तीन पोर्ट दिए हुए हैं। इसमें से एक पोर्ट जो है ग्रीन कलर का पोर्ट है, वो अर्थ के लिए होता है, इससे हम अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं। बाकी जो दो पोर्ट हमको रेड कलर का बचता है, वो हम पेयर को पेयर किसी भी सिग्नलिंग केबल के पेयर पेयर के इंसुलेशन को चेक करने के लिए होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस मीटर को चलाने के लिए एक सप्लाई की जरूरत होगी। इसके लिए हम इसके पीछे 110 और 230 दोनों का ऑप्शन होता है, 110 वोल्ट एसी का भी और 230 वोल्ट एसी का भी। तो 230 वोल्ट एसी इनपुट जब हम इसको देंगे तो हमारे पास ये इंडिकेशन जल जाएगा, पावर ऑन का इंडिकेशन जल जाएगा। और इसके साथ एक इंडिकेशन रहता है लीकेज बिलो सेट वैल्यू, मतलब इसके अंदर एक सेट वैल्यू है, यानी किसी 500 किलो ओम से अगर कम रेजिस्टेंस किसी भी पेयर का बताएगा तो ये रेड इंडिकेशन जल जाएगा। तो इस तरह इसमें एक इंडिकेशन भी है और साथ साथ हम रीडिंग भी लेने के लिए इसमें है। यानी हम यहाँ से 50 मेगा ओम से लेकर के हम यहाँ पे 100 किलो ओम और यहाँ तक कि इसके नीचे 2 किलो ओम तक का हम इंसुलेशन टेस्ट इसमें हम कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी मदद से हम फॉल्ट का पता लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली वर्क का है कि कैसे हम इसको टेस्ट करेंगे। तो हमने जो भरवली अभी चर्चा किए हैं, बस इसमें यही चीज लिखा हुआ है लिटरेचर के रूप में। अभी हम क्या करते हैं कि केबल टेस्टर इंसुलेशन ईएलडी में है, इसको सीआईटी छोटे फॉर्म में लिखा है, केबल इंसुलेशन टेस्टर। तो ईएलडी डिटेक्शन में लो इंसुलेशन लीकेज रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जस्ट ये लिटरेचर में लिखा हुआ है, इसी ट्रैक पे हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम पेयर में अगर हम लगा देते हैं सीटी रैक पे, पेयर में पेयर को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि हम डिस्कनेक्ट नहीं किए, अगर उसमें कोई सप्लाई है तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारी सर्किट फेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक बस इंडिकेशन आ जाएगा पेयर इनर्जाइज का इंडिकेशन आ जाएगा। ये पेयर इनर्जाइज का ग्रीन इंडिकेशन है और ये लीकेज रेजिस्टेंस बिलो यानी रेड इंडिकेशन है, और यहाँ पे पावर का इंडिकेशन है। जब 110 हम इसको पावर देंगे तो उस टाइम का इंडिकेशन है। तो आगे चलते हैं, इसमें हमने ये देख लिया कैसे वर्क करता है। अभी ईएलडी का मीटर का इंडिकेशंस क्या क्या आते हैं, डेटा लॉगर से हम डेटा लॉगर की मदद से भी हम फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम फॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें डेटा लॉगर हमको किस प्रकार मदद करेगा, ये हम जान सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा एक नजर पहले इसमें डाल देते हैं कि हेल्प ऑफ डेटा लॉगर से हमको क्या मदद मिलेगा। टाइम ऑफ फॉल्ट कैन बी डिटेक्टेड, यानी जिस समय फॉल्ट आया वो टाइम हमको डेटा लॉगर से मिल जाएगा। डेटा लॉगर से हमको वो टाइम मिल जाएगा कि किस टाइम वो फेलियर आया है। दूसरा क्या है कि विथ द हेल्प ऑफ टाइम ऑपरेशन कैन बी आइडेंटिफाई, मतलब जब जब हमको वो भी पता चलेगा कि उस टाइम कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ है पैनल से, वो भी हमको उस टाइम, जैसे हमको टाइम पता चल गया अब उस टाइम में कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ है, 10 मिनट आगे पीछे का टाइम डाल करके हम चेक कर सकते हैं।
और वो हमको मदद कर सकता है कि किस सर्किट में फॉल्ट है। लेकिन ये फॉल्ट, ये डेटा लॉगर हमको उसमें मदद करता है जब फॉल्ट जो होता है यानी टेम्पोरी है, आया और चला गया। मतलब कहने का मतलब जब आ जाता है, लेकिन जब आप देखने के लिए जाते हैं और उस सेल सिलेक्टर को उस चैनल पे सिलेक्ट करते हैं और लीकेज रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो पता चलता है कि जो आपने सेट करके लिमिट सेट करके रखा है उससे तो बहुत ज्यादा है, मतलब 10 मेगा ओम की तरफ है, लेकिन तो उसमें आप देख नहीं पाते सर्किट में कौन सा है। उस कंडीशन में डेटा लॉगर हमको बहुत मदद करता है। इसके बाद है ईएलडी मीटर के इंडिकेशंस क्या है, 2 किलो ओम से कम होगा तो फॉल्ट बताएगा। ये जो है ये इस मीटर का है कि अगर आप इंसुलेशन टेस्टर के रूप में यूज करेंगे तो वो रेड इंडिकेशन बताएगा, मतलब जो हमारा लो हो जाएगा। तो कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईएलडी, कॉमन इंडिकेशन में ईएलडी में क्या है, बस बार एलईडी ऑन एंड मीटर शोइंग एक्चुअल रीडिंग, फॉल्ट नॉर्मल एलईडी ऑफ। मतलब वो चीज पहले हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि कभी ऐसा हो कि हमारा फॉल्ट वाली एलईडी भी ऑफ हो और नॉर्मल एलईडी भी ऑफ हो, तो हो सकता है कि पीछे का स्विच जो है, जो हमने दिखाया था टॉगल स्विच, वो ऑफ कंडीशन में। तो ये छोड़ देते हैं। ये दूसरा वाला भी हमने चर्चा किया था कि अगर E1 E2 अर्थ हमारा डिस्कनेक्ट होगा तो उस कंडीशन में भी हमारा फॉल्ट 10 मेगा ओम बताएगा, सॉरी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, मतलब लीकेज रेजिस्टेंस है, सॉरी लीकेज रेजिस्टेंस है, वो तो 10 मेगा ओम बताएगा, लेकिन जो फॉल्ट की एलईडी है वो आपको जलता रहेगा और बजर भी ऑन स्थिति में रहेगा, वो रीसेट नहीं होगा। तो वो कंडीशन तब होगा जब हमारा E1 E2 अर्थ जो है कनेक्ट नहीं है प्रॉपरली, कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया है या हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया है। तो जब हम फॉल्ट कभी देखते हैं और ऐसा कंडीशन हो तो हमको केबल नहीं करना है, पहले हमको इसको ही चेक करना है कि हमारा ये कनेक्शन प्रॉपर है। अब आते हैं हाउ टू फॉल्ट ट्रेसिंग, कैसे हम फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। तो फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए हमको थोड़ा सा सिग्नलिंग सिस्टम को जानना होगा कि सिग्नलिंग सिस्टम में कैसे हमारी सप्लाई फ्लोट करता है, कैसे हमारा सप्लाई किसी सर्किट तक पहुंचता है या केरेक से कैसे बाहर तक जाता है। तो सबसे पहले हमारा बस बार होता है, उसमें पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, उसके बाद बस बार आता है। पैनल ये क्या है, हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, वो इंटरलॉकिंग सिस्टम में जाएगा, सर्किटों से सेलेक्ट होगा, उसके बाद वो सिटी रैक तक जाएगा और सिटी रैक से बाहर जाएगा। ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है सिग्नलिंग सर्किट कैसे हमको सप्लाई बाहर तक मिलेगा। इसमें रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, पावर सप्लाई फ्लोटिंग टाइप होता है विदआउट अर्थ, मतलब अर्थ वो नहीं रहेगा, उसमें फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मतलब अगर मान लिया आपका कोई भी सप्लाई, जैसे 230 अगर अर्थ है तो आपका 110 साइड जो है वो अर्थ नहीं मिलेगा, अगर 110 सप्लाई अर्थ नहीं है। पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आएगा, कंट्रोल सर्किट आएगा, पैनल मतलब पैनल इंटरलॉकिंग, RRI SSI, इससे सेलेक्ट होकर के हमारा सप्लाई निकलेगा। और कुछ सप्लाई ऐसे भी होता है जो ICC का सप्लाई जैसे है, तो ICC में कुछ क्या होता है, जैसे सप्लाई 24 वोल्ट निकलेगा और वहाँ ICC वाली रिले को टूट करके वही 24 वोल्ट वापस आएगा, तो उसमें से जो 24 वोल्ट बाहर निकलेगा उसमें किसी तरह का सिलेक्शन, तो वो सप्लाई भी कहीं से, अगर वो जो केबल जा रहा है बाहर उसमें भी कहीं से अर्थ फॉल्ट आ गया तो भी हमारा ईएलडी का इंडिकेशन आ सकता है, अर्थ लीकेज बता सकता है। तो सिटी रैक है उसको केरेक भी बोलते हैं, कनेक्टिंग केबल्स हो गए, लोड हो गए। उसके बाद है फॉल्ट हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है, तो लोड में हो सकता है, पावर सप्लाई में हमारा फॉल्ट हो सकता है, सिग्नल्स के ऊपर फॉल्ट हो सकता है, पॉइंट मशीन में फॉल्ट हो सकता है, अर्थ फॉल्ट हो सकता है, केबल अर्थ फॉल्ट हो सकता है, एक पेयर में एक वायर में अर्थ फॉल्ट हो सकता है, पेयर के रूप में हो सकता है, तो इस तरह। इसके बाद अपन जान लेते हैं कि अर्थ फॉल्ट ये तमाम इक्विपमेंटों में होगा। पिछली बार भी हमने चर्चा किया था कि इसका इंसुलेशन क्या होता है, तो सभी का इंसुलेशन, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन 50 मेगा ओम, बैटरी पैक का मोर देन 100 मेगा ओम, और IPS का मोर देन 100 मेगा ओम, केबल का मोर देन 10 मेगा ओम रखा गया है, ऐसे तो 50 मेगा ओम भी मिलता है, इंफिनाइट भी मिलता है। लोड जो है सिग्नल और पॉइंट मशीन है वो बताया कि ग्रेटर देन उसका इंसुलेशन होना चाहिए 50 मेगा ओम, ये रेलवे की तरफ से।
अभी आते हैं कि फॉल्ट कहाँ हो सकता है, तो हमने देख लिया, पिछले ही चर्चा कर लिया, इसको दोबारा हमने रिपीट किया है। अभी देखिए कि बस बार में ये हो गया क्लियर। अभी आते हैं कि अब फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करना है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेना पड़ेगा। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किसी भी सिग्नलिंग सर्किट के सप्लाई में अगर कोई अर्थ लीकेज आता है तो उसे किस प्रकार आइडेंटिफाई करके अर्थ फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल में उदाहरण के तौर पे हम मियांगांव स्टेशन अपना ही लिए हैं। अभी हाल फिलहाल हमने 10B24 को 10B24 में जो अर्थ फॉल्ट था उसको निकाला, साथ में 9B24 का। तो हम यहाँ पे 10B24 सप्लाई में जो अर्थ फॉल्ट था, मतलब ये जो अर्थ लीकेज बता रहा था, अर्थ लीकेज रेजिस्टेंस लो हो गया था, तो वो सर्किट का कैसे हमने किया या कैसे कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये सप्लाई पहले है किस इस जैसे 10B24 में है, तो उसमें से क्या क्या है ये जानना जरूरी होता है अर्थ के लिए। इसमें क्या है कि साउथ जोन का GPR था और ICC सर्किट है इसमें, हमारे मियाँ गांव के साउथ जोन के सारे GPR में जो है 10B24 सप्लाई यूज है और ICC सर्किट यानी जो हमारा ऑटो की सर्किट है। इसमें अर्थ अस्थाई फॉल्ट बता रहा था, मतलब अस्थाई फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, जिस समय हमारे सेक्शन में यानी मियाँ गांव से लेकर के काशीपुरा तक कोई ट्रेन नहीं हो, किसी भी तरह का सिग्नल ऑपरेशन नहीं किया गया हो, फिर भी उस कंडीशन में भी हमारा ये 2 kΩ लीकेज रेजिस्टेंस बताता था। तो अब हम इसको क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं कि इसको हमने कैसे किया। इसके लिए 10B24 सप्लाई के सिग्नलिंग सर्किट को हमने दो भाग में विभक्त कर दिया। सबसे पहला भाग में वह सिग्नलिंग सर्किट जब पैनल से किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया गया होता है तथा मियाँ गांव काशीपुरा से कोई भी ट्रेन नहीं हो, इस स्थिति में जिन सिग्नलिंग गियर से होकर अथवा जिन सिग्नलिंग गियर के लिए सप्लाई केरेक से होकर बाहर जाता है इक्विपमेंट के लिए या सिग्नलिंग गियर के लिए रिले के लिए बाहर जा रहा है, अथवा 10B24 सप्लाई बाहर निकलकर जिसमें से किसी प्रकार का सिलेक्शन नहीं है, बाहर से सेलेक्ट होकर के वही सप्लाई वापस आता है, ये आईसीसी का बात हम कर रहे हैं, इसको हमने रेड मार्क किया, मतलब उसको हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये चीज आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रेड मार्क कर दिया। क्योंकि हमारा सप्लाई हमारा फॉल्ट अस्थाई था, तो सबसे पहले जो पहला सिग्नलिंग सर्किट को जो हमने विभाजित किया है उसको चेक करना अनिवार्य था, मतलब फॉल्ट का संभावना 90-95% इसी में हो सकता है क्योंकि वो परमानेंट पड़ा हुआ, मतलब जब कोई मूवमेंट नहीं है, किसी भी तरह का सिग्नलिंग सर्किट ऑपरेटेड नहीं है, उस कंडीशन में अगर हमारा है तो यही सर्किट में कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। और हम मान के चलते हैं सबसे पहले कि हमारा पावर सप्लाई ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारा फॉल्ट अगर परमानेंट है तो हमारे हिसाब से एक टेस्टिंग तो सबसे पहले कर लेनी चाहिए कि जो हमारा पावर सोर्स है कहीं वही तो अर्थ नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसा चेक करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम दो पावर सोर्स यूज कर रहे हैं, एक तो IPS यूज कर रहे हैं और दूसरा एक कन्वेंशनल सप्लाई भी लगा के रखे हैं, तो कभी ऐसा फॉल्ट हो जो अस्थाई हो तो एक बार उस स्विच को तो घुमा के देख ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि अगर हमारा IPS साइड से अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम जैसे उसको कन्वेंशनल पे करेंगे हमारा वो फॉल्ट चला जाएगा, तो हमारी समय बच जाएगा, मतलब हमको ये पता चल जाएगा, हमको काफी मेहनत बच जाएगा। इसलिए कभी अस्थाई फॉल्ट हो तो एक बार तो सप्लाई को कम से कम चेक कर ही लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा IPS सप्लाई है, क्योंकि IPS का मॉड्यूल कभी कभी अर्थ होता है, DC मॉड्यूल बहुत बार अर्थ मिला है उसका, ये 110 जब DC अर्थ होता है तो बहुत बार हमारा जो SMR है SMR का हमको अर्थ मिलता है, DC कन्वर्टर अर्थ मिलता है, उसका आपका ट्रांसफार्मर भी कई बार अर्थ मिलता है। तो इस तरह है कि हमको जो है मेहनत बच जाएगा और हम पावर सप्लाई में पहुंच जाएंगे, मतलब IPS के मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करने के बाद भी हमारा फॉल्ट है तो ये चीज अप्लाई करेंगे कि कौन कौन सा हमारा ऐसी सप्लाई है जो बिना किसी सिलेक्शन के यानी मतलब नॉर्मल स्थिति में निकलता है। दूसरा वह सिग्नलिंग सर्किट जिसमें सप्लाई तभी बाहर निकलेगा जब सेक्शन में कोई ड्रेन हो अथवा कंट्रोल पैनल से किसी सिग्नल को ऑपरेट किया गया, इसको येल्लो मार्क किया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन वो है जब आपको ELD आता है और रिसेट करने से चला जाता है, मतलब रिसेट करने से कब, जब कोई गाड़ी नहीं हो, किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो, आप रिसेट करते हो, चला जाता हो और हमको उस समय जो है अर्थ लीकेज आपको नहीं बताता।
ये कंडीशन में ये सर्किट को चेक करना होता है, मतलब 99% चांस रहता है कि आपको इसी सर्किट में प्रॉब्लम होगा। अभी अभी देखिए, हमने यहाँ का जो 10B24 मियागांव का है, ये सभी आपका जितना भी इसमें सिलेक्शन है, मतलब जितना भी सर्किट है इसमें, देखिए सबका GPR है। ये जो हमने येलो मार्क करके रखा है GPR है, तो GPR तो 100% श्योर है कि जब सिग्नल देगा तभी इसमें सप्लाई बाहर निकलेगा। तो ये दूसरी कंडीशन वाला है, इसको हमको चूंकि अस्थाई था तो हमको इसको चेक करना नहीं था, क्योंकि अस्थाई था इसके लिए हमको इसको दूसरे, मतलब उसको हमने लगा कि इसको इसमें तो फॉल्ट हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद ये देखिए लोग, इसके बाद देखिए ये रेड मार्क वाला है, यानी ये कंडीशन है जो हमने TPR को दिखाया है, ऐसा हमने बना लिया था। एक्चुअली हमारे स्टेशन मियागांव काशीपुरा दोनों का इस तरह हम बनाए हुए हैं कि जैसे सबका हमने एक अलग सप्लाई वाइज बना दिया है डिटेल, ताकि हमको कोई फॉल्ट आए तो हमको केरेक न लेकर के हम इसको रख करके जो है हम अपने उसके हिसाब से चेक कर लें। तो अब देखिए हमारा हमारा क्षेत्र सीमित हो गया, अब हमको पूरी 9B 10B 24 की पूरी सर्किट चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम जो रेड मार्क वाला है सिर्फ हम उसको चेक कर लेंगे उस कंडीशन में जब हमारा सिग्नल दिया हुआ, किसी तरह का ऑपरेशन हुआ नहीं, तो फॉल्ट इन्हीं यही कहीं होना चाहिए। हमने इन सारे सर्किटों को मेजर किया, यानी इन सारे सर्किटों को, चूंकि इसमें इसमें सप्लाई हमेशा रहेगा तो हम इसको बारी बारी से लिंक को डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो इंसुलेशन टेस्टर है इसको ऑनलाइन मेजर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें ये इनर्जाइज है। जैसे ही इस पेयर में हम उसको लगाएंगे तो वो इनर्जाइज बता देगा। अब ऐसे पेयर को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डीइनर्जाइज करना पड़ेगा, मतलब लिंक को काटना पड़ेगा। तो ये सारे इंसुलेशन टेस्टर से हमने लिंक डिस्कनेक्ट कर करके सारे केबलों को मेजर कर लिया, लेकिन कहीं भी कोई फॉल्ट हमको मिला नहीं। अब ये कंडीशन हो गया कि जब ये कंडीशन में फॉल्ट नहीं है, कोई केबल हमको खराब नहीं मिल रहा है, तो वो परमानेंट एयर फॉल्ट क्यों बता रहा है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, इसके बाद जो है अभी अपने अब अपने पास क्या बचा, बाकी येलो कलर वाला बचा, हमने तो उसको भी टेस्ट कर दिया, लेकिन वो सेकेंडरी आइटम था, उसको कोई जरूरत नहीं था, लेकिन चूंकि फॉल्ट कहीं मिला नहीं इसलिए हमने उसको भी टेस्ट किया। अब ऐसे फॉल्ट अगर हमारे पास आ जाए कि जो संभावना यानी आउटसाइड का है, मतलब कहने का मतलब रिले रूम से जो सप्लाई बाहर निकल रही है उसमें तो लीकेज नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। अब वो सप्लाई वो रिले रूम के अंदर है, यानी कहने का मतलब जो पावर सप्लाई का सोर्स है, पावर सप्लाई सोर्स में भी अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने उसको घुमा के देख लिया था दोनों कंडीशनों में, मतलब हमारा जो कन्वेंशनल सप्लाई है उसमें भी अर्थ फॉल्ट बता रहा था और दोनों कंडीशनों में। अब हमने एक चीज और चेक किया, चलिए हमने एक भी चेक कर लिया कि चलो ठीक है हमारा पहला जो सोर्स था IPS वो अर्थ है, मान लिया दूसरा जो सोर्स हम जिसपे करके देख रहे हैं कहीं वही तो अर्थ नहीं है, तो हम जहां से ELD का वायर लिया गया था, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, वहां से जो बस वायर साइड जाने वाला वायर है, बस वायर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में क्या होता है, टोटल जो वायर वहां पे रहते हैं, जैसे एक तो हो गया जो IPS से सिलेक्ट होके आएगा वो, फिर फ्यूज के माध्यम से होता हुआ बस वायर पे जाता है, वहां से जो हम सप्लाई उठाएंगे जनरली क्या है कि इसके लिए ELD के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि जो केबल IPS के को सप्लाई को लेके आ रहा है उसको कनेक्ट करें, बस वायर वाले पे नहीं करें, क्योंकि बस वायर वाले पे करेंगे तो कभी अगर हमको चेक करना हुआ तो ELD के वायर को बस वायर वाला निकालेंगे तो साथ में ELD का भी वायर निकल जाएगा, इसलिए हमको ELD के वायर को हमेशा सोर्स वाले सप्लाई पे रखें, ताकि हम बस वायर को डिस्कनेक्ट करें तो हमारा सप्लाई अब सोर्स चेक हो जाए कि वो तो अर्थ नहीं। तो जब हमने ऐसा किया तो कन्वेंशनल सप्लाई पे करने के बाद हमारा अर्थ फॉल्ट बिल्कुल चला गया, यानी हमारा प्रॉब्लम तो बस वायर साइड ही है, ये कन्फर्म हो गया। इसके बाद जो है उसको हमने बारी बारी से, अब बस वायर को हमको देखना पड़ेगा क्योंकि हमने आउटसाइड होने वाले सारे सर्किटों को देख लिया, तो अब तो हमको बस वायर ही देखना पड़ेगा, ऐसा हमने निश्चय कर लिया कि अब बस वायर से देखेंगे। तो बस वायर का अब ऐसा है कि बस वायर पे तो बहुत सारे वायर होते हैं। अब एक चीज है इसमें, देखिए रेड मार्क और येलो मार्क वाला है, अब बस वायर को समझते हैं अपन,
कि बस वायर पे जो वायर है, हमने ये बस वायर के जैसा इसको मान लीजिए कि बस वायर है, इससे हमने इससे दो वायर वहां से निकला है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बी एक्स लेकर बी पॉजिटिव और एक एन नेगेटिव लेके निकला है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, बस वायर में तो हम यहाँ दो वायर दिखाए हैं, लेकिन कम से कम बस वायर पे तो 15-20 वायर होता ही है। और बस वायर का, बस वायर में क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कि उसकी एक नंबरिंग होती है, निगेटिव और निगेटिव बस वायर और पॉजिटिव बस वायर दोनों। लेकिन वो निगेटिव बस वायर और पॉजिटिव बस वायर में कौन से बस वायर पे क्या लिया हुआ है, ये कहीं कहीं नहीं रहता है, हमारे पास भी अवेलेबल ये चीज नहीं था कि उसमें कौन सा वायर किस सर्किट के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो उसको हमको एक एक करके डिस्कनेक्ट करके देखना ही मेरे पास एक मात्र एक उपाय। अब इसमें एक चीज है कि अब देखिए, जैसे मान लिया सिर्फ हम निगेटिव को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया ये तीन सर्किट है, तीन सर्किट के लिए ये सप्लाई B24 निकल रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी सर्किट ओपन होंगे। अगर कोई भी सर्किट क्लोज है, तो अगर हम यहाँ से निगेटिव वायर निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा कि वो जो अर्थ फॉल्ट मान लिया इसमें रहा भी, तो वो अर्थ फॉल्ट एक वायर निकालने से हमारा ईएलडी नॉर्मल नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मेन जो हमारा जो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से आकर के जो हमारा वायर कनेक्ट होता है बस वायर में, अगर हमको पहले पता करना है कि पॉजिटिव वायर को करना है, तो निगेटिव वाले को सबसे पहले उसको अलग कर देना होगा। अब हमने निगेटिव को अलग कर दिया, अब हम सिर्फ पॉजिटिव को कनेक्ट करके रखे हैं, तो वो तो इंसुलेशन वहाँ जो अर्थ लीकेज है वो तो बताएगा ही, भले वहाँ पे अगर प्रॉब्लम आए तो वो जो हमारा तुलनात्मक है उसका जो कंपेयर करके जो इंडिकेशन लाता है वो नहीं आएगा। बस बार हम वहां से वो बस बार यहां से जैसे वायर डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो तो मिलता ही रहेगा उसको सप्लाई, सॉरी वो तो मेन हमने पावर सप्लाई से ही देख रखा। अब यहां से हम इसको अलग कर दिए, तो जो इसका रिटर्न अर्थ मिलेगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा जैसे ही वो फॉल्टी वायर को हम बाहर निकालेंगे। अब हम क्या किए कि निगेटिव वाले को तो हमने उसको वो मेन बस वायर के वायर को अलग कर दिया, और पॉजिटिव में से एक एक वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो हमने पाया कि ये बस वायर से हट 38 में जो वायर जा रहा है उसको हटाने के बाद, मतलब जब हमने इसको निगेटिव को डिस्कनेक्ट करके रखा और पॉजिटिव के वायर को निकाला, तो जैसे ही मैंने हट 38 के पॉजिटिव के वायर को निकाला, हमारा ईएलडी फॉल्ट चला गया। अब हम इस पे पहुंचे कि हमारा फॉल्ट जहां भी हो, जहां भी इंटरनल फॉल्ट हो, हट 38 में है। हट 38 चूंकि हमारा इसलिए नाम ले रहे हैं, वो मियांगांव स्टेशन पे ही है, सप्लाई कॉमन है दोनों का, मतलब मियांगांव का ही सप्लाई उसमें है, मतलब अलग से हट नहीं है। अब वो कंफर्म हो गया कि जो हमारे हट है टेम्पररी, उस हट में प्रॉब्लम है। अब हम हट में गए, वहां भी अब हमको बस बार ही टटोलना पड़ेगा। अब उसमें 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 हमने क्या किया, फिर यही सिस्टम अपनाया, तो उसमें हमने देखा कि हमको पॉजिटिव साइड से जब हमने वायर निकाला, जो जा रहा था कहां, जो जा रहा था फ्यूज अलार्म, उस वायर को हमने अलग किया। दूसरा एक वायर हमने अलग किया जो जा रहा था हर एक हटों में और हर एक रिले रूम में, क्या है सप्लाई को चेक करने के लिए टेस्टिंग बोर्ड लगा, एक सप्लाई जा रहा था टेस्टिंग बोर्ड। तो मैं क्या करूं, टेस्टिंग बोर्ड वाला निकालूं सिर्फ तो भी बराबर नहीं हूं, और इसका मतलब फ्यूज अलार्म का वायर निकालूं सिर्फ वो भी बराबर नहीं हो, लेकिन दोनों वायर को जब मैं अलग कर देता था तो हमारा फॉल्ट बराबर। तो एक साथ डुअल फॉल्ट, यानी हमारा इसमें फ्यूज अलार्म में भी फॉल्ट हो और उसमें इंडिकेशन बोर्ड है, जो इंडिकेशन बोर्ड में तो फॉल्ट होने का संभावना ही नहीं है। तो फिर हम दोनों वायर को ट्रेस करते हुए जब हम गए कहां पे, जब हम गए जो पावर सप्लाई चेक करने के लिए जो बोर्ड लगाया था, पावर सप्लाई चेक करने के लिए यानी सप्लाई चेक करने के लिए जो टेस्टिंग बोर्ड था, उस पे जब हम गए तो वहां हमको एक वायर मिलने के जगह पे तीन वायर मिले। अब जब हमने उसने तीनों वायर को चेक किया, तो एक वायर 9B24 का निगेटिव वहां आके कनेक्ट था, और दूसरा एक वायर जो था वो कनेक्ट था कहां से, वो निगेटिव जो हमारा फ्यूज अलार्म है, फ्यूज अलार्म से कनेक्ट। वहां पे हमारा क्या हो रहा था कि चूंकि हम 10B24 का निगेटिव भी लाके हम कनेक्ट कर दिए हैं, एक 9B24 का भी निगेटिव लाके कनेक्ट कर दिए हैं, और उसके बाद 10B24 के लिए जो निगेटिव वायर हमको फ्यूज अलार्म में ले जाना था
वो बसवार से नहीं ले जा करके वो 10B24 चूंकि वहाँ निगेटिव लिखा हुआ था इंडिकेशन पे, वो पीछे से सोल्डिंग करके उठा लिया गया उस टाइम। तो हालांकि उस टाइम एक छोटा सा मिस्टेक है, मतलब इंस्टॉलेशन के टाइम में जिसमें ऑटो हट बना, लेकिन चूंकि पता भी इसलिए नहीं चला होगा क्योंकि मिक्स हो जाने के बाद तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब ईएलडी आता था तब होता था कि जैसे 9B में भी आया था एक साल आता था, 9B और 10B का ईएलडी एक साल आता। अभी जैसे ही हमने उसको अलग किया, चूंकि हमने सारे केबलों में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे ही हमने उसको अलग किया 10B24 हमारा नहीं था, मतलब हमारा 10B24 में कोई फॉल्ट था ही नहीं, हमारा 10B24 में जो फॉल्ट था वो 9B24 के कारण। तो ये चीज है, अभी जैसे 9B24 का फॉल्ट हमारा जो बचा उसको सेम प्रोसेस से हमने चेक किया, तो उसमें भी हमने चूंकि बाहर के केबलों में कोई प्रॉब्लम नहीं था तो उसमें भी इंटरनल फॉल्ट ही मिला। एक डिस्टेंस का जो है बस सेम प्रोसेस अपनाया, डिस्टेंस का एक फ्यूज जो है एक फ्यूज से मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस सिग्नल का कभी रहा होगा, DCPR मतलब MECR कभी रहा होगा, वो वायर जो है केरेक तक आ रहा था, केरेक पे आके खत्म हो रहा था, वहाँ आगे वहाँ से नहीं जा रहा था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन वहाँ से वहाँ तक कहीं कहीं कोई टच होगा वो अर्थ था। जैसे ही हमने उसको वहाँ से निकाल दिया MECR को, वहाँ से वायर को हमने अलग कर दिया, उसकी कोई कहीं यूज नहीं था, तो हमारा 9B24 भी बराबर। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हमारा फॉल्ट इस तरह फॉल्ट होता कि प्रेस करने पे चला जाता, यानी हमारा इंडिकेशन आ तो जाता फॉल्ट, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता कि जब हम देखने जाते तो जब कोई सिग्नल दिया हुआ नहीं रहता, तो उस कंडीशन में हमारा फॉल्ट वो आता है, जब सिग्नल दिया हुआ कंडीशन में आता है, तो क्या है इसका एरिया देखिए बड़ा है। अभी हम तुलना करें, देखिए येलो वाला और रेड वाले में तुलना करें तो रेड वाले से येलो की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा अगर डेटा लॉगर मदद कर सकता, अब हम क्या करेंगे, डेटा लॉगर यहाँ पे हमारा कैसे मदद करेगा, अब हम जिस टाइम फॉल्ट आया था उस टाइम कौन सा सर्किट ऑपरेट हुआ है, S20 दिया गया तब फॉल्ट आया, S39 दिया गया तब फॉल्ट आया, कि 3619 सिग्नल का जब एस्पेक्ट चेंज हुआ तब फॉल्ट आया, ये कंडीशन वाले जब हम देखेंगे तो उस कंडीशन में हमको पता चल जाएगा कि कब करते, तो हमको ऑपरेशन पता हो गया तो हमारा जो है एरिया चेक करने का वो कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने वो फॉल्ट तब आता है जब हमारा 36819 ग्रीन होता है, तो 36819 ग्रीन होता है यानी DPR की जो सप्लाई यहाँ से निकल रही होगी उसमें प्रॉब्लम होगा, तो सीधा हम DPR के केबल को चेक कर सकते हैं, तो अर्थ फॉल्ट मिलने की संभावना है, जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे। अब इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि डेटा लॉगर नहीं है और डेटा लॉगर से हमको मदद नहीं मिल पा रहा है, डेटा लॉगर में डेटा हमको उस टाइम का नहीं मिल पा रहा है, तो हम पैनल से सिग्नल को जिस सिग्नल के जो भी हमारा सिलेक्शन है जिसमें हमारा 10B24 निकल रहा है उसको हम बारी बारी से ऑपरेट करके देख सकते हैं। ऑपरेट करने से हम क्या करेंगे, एक को मतलब कोई पर्सन को है जिसको हम डेटा उस पर लगा देंगे ईएलडी पे, और वो डिफ्लेक्शन देखेगा, हमारा जो सुई है उसका डिफ्लेक्शन को देखेगा और हम ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद जब हमको डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा कौन सा है, तो उसको हम चेक करके इस तरह हम कर सकते, नहीं तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा करना है तो ये सारे केबलों को हम एगर करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह नहीं मिले तो फिर देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है और भी इसमें इंटरनल मतलब देने के बाद वाला फॉल्ट आता है कि आपका बाहर आप केबल मेगर कर लिए और आपका हुआ नहीं। ऐसा प्रॉब्लम हमारा 36819 में भी एक बार ऐसा हुआ था। उसका क्या है कि HR मतलब ये सप्लाई क्या होता है हमारा 49 का जो हमारा S49 का डॉन का एक सिग्नल है उसका HR आता है हट 39, तो वो चूंकि ICC की सर्किट है और ICC की सर्किट में सप्लाई हमारा 24 वोल्ट लेके जाएगा और वो ICC की जो रिले है उससे सेलेक्ट होकर के वापस आएगा। उसमें ऐसा होता था कि HR इसका नॉर्मली आता ही रहता है तो परमानेंट फॉल्ट था उसमें। उस कंडीशन में जैसे हम आगे जाते हैं तो 49 का HR हम दिखाए होंगे,
जो रेड इंडिकेशन के तौर पे होगा, जैसे ये देखिए 49 के चार के रूप में RECR, इसका TPR, ये सब आता है। तो उसमें एक में ऐसा था कि हम जब उसको 24 वोल्ट जो ICC का 24 वोल्ट था उसको डिस्कनेक्ट करते ही हमारा फॉल्ट बराबर लगा। तो लेकिन जब हम उसको एक एक करके जब हम पकड़े, मतलब प्रॉब्लम जैसे इसका 36908 के HR के टाइम में HR जब पिकअप और ड्रॉप होता था उस टाइम, तो इसमें से HECPR हमको क्लियर आ नहीं है, HECPR या TPR दोनों में से कोई एक काटने के बाद वो फॉल्ट जो है, जैसे हम 24 वोल्ट, अब हम जैसे रिटर्न वाले में प्रॉब्लम है, रिटर्न वाले में आप माप नहीं सकते उसको अर्थ को, क्योंकि रिटर्न वाले में क्या है कि 24 काट के ही आपको मेजर करना पड़ेगा, 24 आप डिस्कनेक्ट करें क्योंकि नहीं तो साइड से आप काटिए। तो 24 वोल्ट ये डिस्कनेक्ट करके जब हमने इसको केबल को मेजर किया, जिसको डिस्कनेक्ट करने से बराबर हो रहा था, मतलब 24 जब हम काटते थे बराबर हो जाता था, सारे केबल हमको ओके मिल गए। अब इसमें क्या था कि जो रैक से लेकर के जो HECPR रिले तक जा रहा था, पाल सर जुड़े होंगे तो शायद सर को याद होगा कि जब वो हट 38 में जब अपन चेक कर रहे थे तो केरेक से लेकर के जो रिले तक का एक वायर जा रहा था नेगेटिव साइड का, वो वायर कहीं केरेक में टच हो रहा था और वो वायर अर्थ फॉल्ट हमको दे रहा था। मतलब ये रेयर केस है, ऐसा नहीं होगा, जनरली हमारा फॉल्ट जो है केबल का ही आता है, और इसको हम समझते हैं कि अब हम अपने तरफ से जितना हमको समझ में आया उसको हमने डिस्क्रिप्ट कर दिया। ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, अब मैं इस सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, अब अपने हिसाब से जो जिनके पास एक्सपीरियंस है ELD में उसको शेयर करें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू। अब इसमें क्या है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है PPT, इसमें से किसका किसका मदद लिया है ये सब है, इसमें मैंने लिंक डाल दिया है सबका, ELD ड्राइंग है, ये वायरिंग डायग्राम है, ये कभी जो अपना ग्रुप है PRC ग्रुप में उसमें आया था, उसको मैंने सेव कर लिया था, ELD मैनुअल है इसका। ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं बंद करता हूँ सर, आप लोग बोलिए सर अब। ठीक है, ठीक, और लोग बोलिए, मतलब जितने भी व्यक्ति है सर शेयर करिए, सब लोगों को फायदा होगा। अभी कितने जुड़े हुए हैं, 9 आदमी है मात्र, सेशन तो आज अच्छा था लेकिन आज संख्या कम थी, 9-10 के आसपास नहीं रहे हम लोग। बोले क्या कर रहा हूँ, जल्दी नहीं निकले, बहुत फॉल्ट निकाले ने। अरे सर पाल जी, साहब कह रहा हूँ नहीं निकले तो उन्हीं को